Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought second lesson from the book The Snapshot, from the book Snapshot, and this is meant for the students of class 11. The title of the lesson is The Address, written by Marga Minko. Let's begin now. The Address by Marga Minko. ये lesson second है और written by Marga Minko. Video lecture 1 of 2. There will be 2 lectures on this lesson. इस lesson पे 2 lecture होंगे. Marga Minko की आप तस्वीर देख रहे हैं और she was born on 31st March 1920 at the age of 96 in Netherlands. इमेजेज ऑफ मिंकोज फेमस बुक्स. मिंको की फेमस बुक्स के आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं. द ग्लास ब्रिज, मार्गा मिंको, और एक ये है डी ग्लेजन ब्रग, ओके, द फॉल. ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं. और कुछ लेसन के बारे में जान लेते हैं. दिस स्टोरी इज ए पॉइजेंट. द वर्ड इज poignant, not poignant. This is the phonetic transcription of the word poignant, right? Causing sharp feeling of sadness. Poignant होता है जो sadness की feeling create कर दे. And this story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. Holland में war की स्थिति पहले भी बनती रही है और जब war शुरू हो चुका था, war days की बात है, कि mother ने अपना कुछ सामान किसी पड़ोसी के घर रख दिया था और खुद वो प्लान कर गए थे वहाँ से सेफ प्लेस पे उन्हें जाना था. तो वादा किया था उस महिला ने जो पड़ोस में थी कि कुछ दिनों बाद जैसे ही वार ख़त्म होगा तो आप मेरे से ये सारा सामान ले सकते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए डॉटर, और ये एक बेटी की कहानी है जो अपनी माँ का सामान लेने के लिए उस पड़ोसन के घर जाती है और क्या महसूस करती है, क्या उसे सामान मिलता है, ये सब इस लेसन में आप देखोगे. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब सामान को उनके ही घर में देखती है, पड़ोसन के घर में देखती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो वस्तुएं हैं, उसके दिमाग में जो उनका जो ये बेटी है अपनी माँ की, तो इसके दिमाग में जो अर्लियर लाइफ थी जब वो आया करती थी और अपनी माँ के बारे में याद करती है कि कितनी इमोशनल अटैचमेंट थी उन वस्तुओं से और किस तरह से किसी के घर में वो वस्तुएं रखी हुई हैं और माँ उसकी अब नहीं है इस दुनिया में, तो माँ की याद आ जाती है उन वस्तुओं को देख के. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. और आखिर में वो लड़की उन वस्तुओं को छूती तक नहीं है, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं पे उस पड़ोसन के घर में ही छोड़ आती है. जबकि सेकंड टाइम जब गई थी वो, जब वो लौट के आती है उन वस्तुओं को छोड़ के, तो उसकी माँ से, उस जो लड़की वहाँ मिली, उसकी माँ से मुलाकात नहीं हुई थी. पहली मुलाकात में फर्स्ट टाइम वो मिली थी. अब आगे बढ़ते हैं. डिटेल्ड समरी ऑफ द लेसन विद रेलिवेंट प्लेस पीसीज ऑफ टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने यहाँ रखा है आपके लिए, और कुछ रेलिवेंट पीसीज भी हैं टेक्स्ट के, ताकि लेसन स्टोरी की जो स्पिरिट है वो बरकरार रहे, बनी रहे. एज द लेसन ओपन्स, जैसे ही लेसन शुरू होता है, वी फाइंड द नरेटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ द हाउस दैट बिलोंग टू मिसिज डॉर्लिंग. और जैसे ही कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि नरेटर जो बेटी है उस माँ की, जिसने अपना सारा सामान एक पड़ोसन के घर में रख दिया था, कीमती सामान रखा था, कुछ अपने साथ ले गई थी वो,
तो दरवाजे पे खड़ी है और वेट कर रही हैं कि कोई रिस्पॉन्स करे। ये जैसे सीढ़ियां हैं, ऊपर की सीढ़ी ये, और दो तीन सीढ़ियां बता रहे हैं यहाँ पे नरेटर, और एक सीढ़ी ऐसे ये इस तरह से, ये यहाँ पे स्टेयर के जो बनी हुई है इस पे ऊंचाई पे दरवाज़ा होगा ये, तो यहाँ कहीं वो इंतज़ार कर रही हैं। और किसका घर है ये? मिसेज डॉर्लिंग का घर है। होम द नरेटर्स मदर हैड गिवन सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हाउस बिफोर वॉर। वार से पहले हॉलैंड में वॉर छिड़ा हुआ था, तो उससे पहले ये सामान नरेटर की मदर ने उस महिला को दिए थे जिसका नाम मिसेज डॉर्लिंग है। नाउ द नरेटर वांटेड टू मीट द वूमन इन दैट हाउस। अब नरेटर उस महिला से मिलना चाहती हैं, जो लड़की है वो उस महिला से, मिसेज डॉर्लिंग से मिलना चाहती है और उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हैं। आफ्टर सम टाइम अ वूमन ओपन द डोर। कुछ समय के पश्चात एक महिला दरवाज़ा खोलती है। बट द नरेटर डिडंट रिकग्नाइज हर। नरेटर ने, जो लड़की है उसने उस महिला को रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। एज सेवरल ईयर्स हैड पास्ट, क्योंकि कई वर्ष गुजर गए थे सिंस हर मदर हैड लेफ्ट द प्लेस अलोंग विद हर। जब नरेटर की माँ और अपनी ये बेटी जो नरेटर हैं ये इस प्लेस को छोड़ के कहीं और चले गए थे, तो इस घटना को कई वर्ष बीत गए थे और इस वजह से मिसेस डॉर्लिंग को पहचान नहीं सकी नरेटर। हाउएवर शी आस्क्ड द वूमन इफ शी स्टिल न्यू हर। और इस महिला से बात करी और पूछा कि क्या आप मिसेस डॉर्लिंग को जानते हैं। द वूमन एट द डोर हैड नॉट ओपन्ड इट कम्प्लीटली। और दरवाज़ा जो था अध खुला था, दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खुला था। उस महिला ने पूरी तरह से दरवाजे को नहीं खोला, मतलब थोड़ा सा गैप रखा ताकि वो अंदर झांक के ना देख ले। यहाँ कहीं गैप में से वो नरेटर महिला को देख रही थी। शी लुक्ड एट द नरेटर एज इफ ट्राइंग टू रिमेम्बर हर। और उस महिला की तरफ, जो वाकई मिसेज डॉर्लिंग थी, उसकी तरफ नरेटर बड़ी गौर से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। द नरेटर केम क्लोजर एंड स्टूड एट द स्टेप ऑफ द डोर। और नरेटर अब और समीप आ गई और उस महिला के पास आके खड़ी हो गई। यहाँ पे स्टेप पे आ गई वो, और एक नीचे वाली सीढ़ी पे थी वो कहीं, तो ऊपर यहाँ पे महिला के आसपास आ गई। आफ्टर सम टाइम द वूमन सेड। कुछ समय के बाद उस महिला ने कहा, नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसिज एस डॉटर। और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। शी हैड प्लेस्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट द नरेटर फ्रॉम एंट्रिंग। और दरवाजे को उसने इस तरीके से पकड़ा हुआ था, दरवाज़ा जैसे ये थोड़ा सा ये खुला हुआ है और एक दरवाज़ा यहाँ ये खुला हुआ है, और एक हाथ से उसने दरवाजे पे रखा हुआ है, और जैसे कि नरेटर की एंट्री को वो प्रिवेंट करना चाह रही हो, रोकना चाह रही हो कि नरेटर घर में ना घुस जाए। शी कैप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर एंड हर फेस एग्जिबिटेड नो साइन ऑफ रिकग्निशन। और नरेटर को वो महिला देखती रही और उस महिला के चेहरे पे पहचान का, कि वो नरेटर को पहचानती है, एक भी साइन नज़र नहीं आया। एग्जिबिट करना होता है शो करना, प्रकट करना। अब उसके चेहरे पे एक भी निशान एग्जिबिट नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। द नरेटर थॉट, नरेटर ने सोचा, दैट शी हैड नॉक्ड एट द रोंग डोर, कि उसने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है, नॉक किया है। द नरेटर ऑल्सो हैड डिम मेमरी अबाउट द वूमन एज शी हैड ओनली ए ग्लिम्स ऑफ द वूमन एंड इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। नरेटर को भी उस महिला का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है,
मिसिस डोलिंग का, और एक बार ही उसने देखा था, और इस बात को कई वर्ष हो चुके थे। और घटना क्या थी, देन द वुमन रिमूव्ड हर आर्म फ्रॉम द डोर एंड स्टूड असाइड। और घटना बाद में आगे आपको पता लगेगी कि कब नरेटर मिली थी, पूरी तरह से उसका चेहरा देख भी नहीं पाई थी। तो अब उस महिला ने अपनी बाजू हटाई दरवाजे से और अलग खड़ी होगी, एक साइड पे खड़ी होगी। शी हैड वोर्न ए ग्रीन कलर्ड कार्डिगन, और उस महिला ने, मिसेस डोर्लिंग जो थी, ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। एंड द नरेटर न्यू दैट इट वाज निटेड बाय हर मदर। नरेटर को इस बात का पक्का विश्वास था कि वो कार्डिगन ग्रीन कलर का उसकी माँ ने ही बनाया था, बुना था, निट किया था। इट्स बटन्स हैड बिकम येलोइश इन कलर ड्यू टू वॉशिंग। अधिक वॉशिंग होने के बाद के कारण वो जो बटन्स थे कार्डिगन के येलोइश हो चुके थे, थोड़े पुराने लग रहे थे। शी अंडरस्टूड दैट द नरेटर वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड देन शी हिड हाफ ऑफ हर बॉडी बिहाइंड द डोर। और जब उस महिला ने देखा कि नरेटर उसके कार्डिगन को देखे जा रही है, तो उसने अपने शरीर को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। हिड करना होता है छुपाना, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड सेकंड है। दैट क्ल्यू मेड द नरेटर कॉन्फिडेंट दैट शी रीच द राइट एड्रेस। और इस क्ल्यू ने, ये जो क्ल्यू था कार्डिगन वाला, इसने नरेटर को पक्का विश्वास दिला दिया कि वो सही जगह पे खड़ी थी, किसी गलत एड्रेस पे नहीं थी। वेल यू नो माई मदर, शी आस्क्ड द वूमन। और लड़की ने फिर पूछा उससे कि क्या आप मेरी मदर को जानते हैं। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, सेड द वूमन। और वो महिला कहने लगी कि मैं सोचती हूँ कि कोई लौट के तो आया नहीं है। नरेटर कहने लगी कि ओनली मी, एकमात्र मैं तो हूँ। अ स्मेल ऑफ डैम्पनेस इमर्ज फ्रॉम देयर। She also regretted that she was unable to do anything for her at that time. और अंदर से, दरवाजे में से एक डैम्पनेस की स्मेल आ रही थी। इमर्ज करना होता है, उभरना, अंदर से सीलन सी की बदबू आ रही थी। और इस महिला ने, she also regret किया कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती उस समय, मतलब कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकती। I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment, the narrator said. Narrator ने फिर कहा कि मैं specially आपसे मिलने आई हूँ और ट्रेन से आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment. एक पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और फिर वो महिला कहने लगी, It's not convenient for me now. इस समय मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, इजी नहीं है बात करना तुम्हारे लिए, कंफर्टेबल मतलब उसका अपना कोई बात होगी, कन्वीनियंट नहीं है उसके लिए। सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब मैं नहीं मिल सकती, किसी और समय आप आना तो बात करेंगे। शी शुक हर हेड व्हाइल रिफ्यूजिंग द नरेटर एंड क्लोज द डोर वेरी कॉशियसली टू अवॉइड द एंट्री ऑफ एनीवन इन द हाउस। और ये कह के उसने रिफ्यूज़ल में अपना सिर हिलाया, ना में हिलाया, और दरवाज़ा बहुत ही चौकसी के साथ बंद किया, किसी की एंट्री को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि वो लड़की जो वहाँ दरवाजे पे खड़ी थी, उस वो अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए उसको रोकती हुई वो दरवाज़ा बंद करने लगी। द नरेटर स्टूड वेयर शी वाज ऑन द डोर स्टेप। नरेटर वहीं की वहीं खड़ी रही जहां वो दरवाजे के सीढ़ी पे खड़ी थी, जो यहां सपोज करो ये दरवाज़ा है यहां पे, तो यहां पे वो जो सीढ़ी थी वहीं वो खड़ी रही, यहां खड़ी रही। शी सॉ द कर्टन ऑफ द बे विंडो मूव्ड। और जो बे विंडो थी उसके कर्टन को उसने हिलते हुए देखा। और Someone stared at me and would then have asked what I wanted. ऐसा लग रहा था नरेटर को कि अंदर से किसी और की भी आवाज़ आई और वो
उसके बारे में जानना चाह रही थी, ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, जैसे उसकी बेटी अंदर हो, इस महिला की मिसेस डॉर्लिंग थी, और उसने पूछा होगा कि ये कौन थी, क्या चाहती थी, तो मिसेस डॉर्लिंग ने कहा होगा कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसा कहा होगा। शी अगेन लुकड एट द नेम प्लेट, और नरेटर ने दोबारा फिर नेम प्लेट को देखा और पढ़ा, डॉर्लिंग रिटन देयर इन ब्लैक लेटर्स, ये शब्द ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था, ऑन द जैम, जैम क्या होता है, द वर्टिकल पार्ट ऑफ द विंडो फ्रेम और द डोर, ये जो वर्टिकल होता है पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ कहीं वो प्लेट लगी हुई थी, मिसेज डॉर्लिंग, ये डॉर्लिंग लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, एट द सेम हाइट द नंबर 46 और 46 नंबर भी उसी हाइट पे लिखा हुआ था। आफ्टर दैट द नरेटर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, इसके पश्चात नरेटर ट्रेन पकड़ने के लिए, वापस घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। वाइल वॉकिंग शी रिमेंबर्ड हर मदर, चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आती है, हु हैड गिवन दैट एड्रेस टू हर ईयर्स अगो, और उस महिला की जो उसकी मदर थी, जिन्होंने कई वर्षों पहले वो एड्रेस दिया था 46 डॉर्लिंग वाला। इट मे बी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर दैट वॉज कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, और कब दिया होगा ये, शायद जब लड़ाई चल रही थी, जो फर्स्ट हाफ था उसका, लड़ाई का, उस समय दिया था। द नरेटर टेल्स, द नरेटर टेल्स अस नाउ एज टू हाउ शी रिमेम्बर्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, नरेटर अब हमें ये बता रही है कि एक बार उसका चेहरा, उसने एक झलक देखी थी मिसेस डॉर्लिंग की, वो कब देखी थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। द नरेटर सेज दैट शी वॉज एट होम फॉर ए फ्यू डेज एंड शी हैड नोटिस्ड दैट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स वर मिसिंग फ्रॉम द हाउस, और ये कब की बात है, जब वो छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने घर में आई थी, तो उसने किचन में जाके देखा कि कुछ वस्तुएँ, या घर से, किचन की भी हो सकती है और घर की, कुछ वस्तुएं गायब थी, तो अपनी माँ से पूछा था कि कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें दिख नहीं रही। शी सेज दैट हर मदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट शी हैड नोटिस द चेंजेज इन द हाउस सो क्विकली, और नरेटर की मदर बड़ी हैरान हुई थी और खुश भी हुई थी कि उसकी बेटी को अपने घर की चीज़ों से लगाव है और वो जानती है कि कुछ चेंजेस घर में आई हैं। एट दैट टाइम द नरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, उस समय नरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। ऑल्दो द नरेटर हैड नॉट हर्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग बिफोर, यद्यपि नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पहले कभी सुना नहीं था, येट शी केम टू नो दैट शी वॉज हर मदर्स ओल्ड एक्वेंटेंस, फिर भी उसे इतना तो पता ही चल गया कि वो उसकी मदर की पुरानी परिचित थी, एक्वेंटेंस थी, एक्वेंटेंस क्या होता है, परिचित। सिंस देन शी हैड विजिटेड देयर हाउस रेगुलरली, और तब से वो उस उनके घर रोज़ आया करती थी, जब ये वार डेज में तो सामान लेने के लिए वो आती रहती थी। और इन द नेक्स्ट लाइन्स द नरेटर्स मदर टोल्ड हर, और अगली पंक्तियों में नरेटर की मदर ने अपनी बेटी को बताया, दैट मिसेस डॉर्लिंग टुक सेवरल थिंग्स विद हर फ्रॉम द हाउस व्हेन एवर शी केम देयर, कि जब कभी भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती है तो कुछ ना कुछ सामान वो लेके चली जाती है। शी टुक ऑल टेबल सिल्वर इन वन गो, एक साथ वो टेबल सिल्वर लेके गई। देन द एंटीक प्लेट्स, फिर वो जो एंटीक प्लेट्स होती हैं, वेरी ओल्ड होती हैं, जो अच्छी होती हैं, मतलब जिनको रखते हैं घरों में एक यादगार के रूप में। शी हैड ए ट्रैवल इन लोडिंग द वासेस, और जो वासेस थे उनको उठाने में काफ़ी मशक्क़त लग रही थी, काफ़ी कठिनाई हो रही थी, उसे बोझ था उनमें। द नरेटर्स मदर फियर्ड दैट शी माइट हैव suffered from some muscle strain in her back because of the heavy crockery.
नरेटर की मदर ने जिक्र भी किया था कि क्रॉकरी काफ़ी भारी है, उसको उठा के ले जाती है, कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेन भी हुआ होगा। तो ये बातें उसने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताई नरेटर को, अपनी बेटी को। द नरेटर्स मदर फर्दर टोल्ड हर दैट शी गॉट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स शिफ्टेड टू दैट वुमन्स हाउस फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और नरेटर की मदर अपनी बेटी को कहती है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग लूट मार न कर लें, तब वो सामान उस मिसिज डॉर्लिंग के घर में उन्होंने शिफ्ट करवाया था। शी थॉट दैट दोज थिंग्स वर सेफर देयर देन इन देयर हाउस। और उसने इस वजह से सामान भेजा कि उनके घर में वो सामान सेफर नहीं था, सुरक्षित नहीं था, और मिसिज डॉर्लिंग के घर में अधिक सुरक्षित था। शी ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से इस बात का भी पता लगा दैट देर वॉज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी पॉइंट बिटवीन दैम, कि सामान के लेन देन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और यही बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि वो सामान लौटा देगी जब पीसफुल डेज आ जाएंगे। इट वॉज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली। द नरेटर डिड नॉट एग्री to her mother's logic that it would have been an insult to the woman if she had made any type of doubt on her honesty. Narrator इत्तेफाक नहीं रखती थी, सहमत नहीं थी इस बात से कि understanding क्या होती है। कल को उसके मन में बेईमाना आए और सामान वो रख ले अपने पास, सामान तुम्हें कुछ भी ना लौटाए। तो narrator की mother कहती है कि अगर मैं उसे कोई लिखित में लूँ या उससे वादा लूँ तो ये उस महिला की ऑनेस्टी की बेइज्जती होगी, ये उसकी इंसल्ट होगी इस बात पे। आफ्टर दैट द नरेटर डिडंट टॉक ऑन दैट टॉपिक, इसके पश्चात नरेटर ने अपनी माँ से कभी भी उस टॉपिक पे बात नहीं की। शी हैड रीच द रेलवे स्टेशन विदाउट केयरिंग मच फॉर द थिंग्स ऑन द वे। और रास्ते में पेड़ दिखाई दे रहे थे, जाने पहचाने वस्तुएं दिख रही थी उसे, उन सभी वस्तुओं की परवाह ना करते हुए वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। शी वॉज वॉकिंग ऑन द नॉन प्लेसेस, जाने पहचाने जगहों पे वो जा रही थी वंस अगेन आफ्टर द वार के बाद। बट शी डिडंट वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन द पेनफुल मेमरीज अटैच टू ईच थिंग। रास्ते में जो भी पेड़ था, पौधा था, उसके साथ एक यादगार जुड़ी हुई थी और वो यादगार काफ़ी पीड़ाजनक थी। तो अब वो किसी भी पीड़ाजनक याद को दोबारा अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में लाना नहीं चाह रही थी। आफ्टर दैट शी सैट इन द ट्रेन टू रीच होम, अपने घर पहुंचने के लिए वो ट्रेन में बैठी। बट वेरी सून शी गॉट लॉस्ट इन द पास्ट एज सून एज शी टुक हर सीट देयर, परंतु जैसे ही सीट पे बैठी तो अपने पास्ट में, भूतकाल में वो खो जाती है। मिसेस डॉर्लिंग्स इमेज अगेन केम इन हर माइंड, मिसेस डॉर्लिंग की तस्वीर उसके दिमाग में फिर लौट आई। इट वॉज द सेम इमेज ऑफ द सेम वूमन विच शी हैड सीन इन हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये चेहरा वही था जो उसने अपने घर में पहली बार देखा था। इट वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द डे वेन हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट दैट वूमन, और ये उस दिन की बात है, उस सुबह की बात है, एक दिन पहले जब उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, तो अगली सुबह वो मिसेस डॉर्लिंग उनके घर में आई थी। द नरेटर हैड वोकन अप लेट, उस दिन नरेटर लेट उठी थी, अब देर से जागी थी दैट मॉर्निंग एंड वॉज कमिंग डाउन स्टेयर, और नीचे डाउन स्टेयर आ रही थी, सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। हर मदर वॉज अबाउट टू सी ऑफ दैट वूमन, और उस महिला को, मिसेस डॉर्लिंग को सी ऑफ करने वाली थी नरेटर की मदर, हैविंग ए ब्रॉड बैक एट द गेट पे गई थी उसे छोड़ने। और फिर अचानक उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ गया, तो उसने उस महिला को बताया, देर इज माई डॉटर, कि वो रही मेरी बेटी, सेड द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ ने ये बात कही थी। द वूमन शुक हर हेड एंड देन पिक्ड अप द सूटकेस, और उस महिला ने अपना सिर हिलाया था
जैसे कहते हैं अच्छा अच्छा करते हैं कि हाँ देख लिया मैंने, और फिर सूट केस उठाया, दैट वॉज लाइंग अंडर द कोट रैक, कोट रैक के नीचे वो सूट केस रखा हुआ था। शी हैड वोर्न ए ब्राउन कोट एंड ए वोर्न आउट हैट, उस महिला ने ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक वोर्न आउट हैट, एक घिसा हुआ सा हैट भी पहना हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर वन। लेक्चर वन यहीं समाप्त हो जाता है, और कल को या एक दो दिन बाद मैं सेकंड लेक्चर भी लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।